हमारा चैनल रैम्बल विद एकेसी और नए ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं घर से निकल चुका हूँ और हम कहाँ जा रहे हैं उसके लिए आपको मेरे साथ बने रहना है। और गूगल देवी भी मुझे कुछ कुछ रास्ता बता रही हैं, क्योंकि मेरे फ्रेंड ने मुझे लोकेशन दिया है और उस लोकेशन पे मुझे जाना है। और एक्चुअली मुझे किसी काम से जाना है, बट मैं वहाँ जा ही रहा हूँ तो हमारा जो परिंदा है उस परिंदे को हम उड़ा के देखेंगे, क्योंकि काफ़ी महीने हो गए हैं परिंदा उड़ा नहीं है। कहीं ऐसा ना हो कि परिंदा उड़ना भूल जाए। तो चलिए आज हम हमारे परिंदे को भी उड़ाएंगे, तो परिंदे को भी उड़ाएंगे और आपको कुछ अच्छी अच्छी वीडियो भी दिखाएंगे और मैं अपना काम भी कर लूँगा। तो दोस्तों, जहाँ मैं आया हूँ ये जगह कुछ है खास। ये एक आश्रम है बेसिकली, और ये आश्रम फिलहाल के लिए कोरोना फ्री है। और यहाँ पे बच्चे पढ़ते हैं, जो स्पेशल चाइल्ड हैं उनकी भी यहाँ पे केयर की जाती है, उनके लिए भी स्कूलिंग का यहाँ पे व्यवस्था की गई है। और यहाँ पे जो स्टाफ यहाँ पे जो काम करता है वो इसी कैंपस के अंदर है और बच्चे भी इसी के अंदर हैं। यहाँ अंदर हॉस्पिटल भी है, सारी फैसिलिटीज़ हैं। और जो मैंने फ़ोटो दिखाई है वो यहाँ के फाउंडर हैं और यहाँ का स्टाफ काफ़ी फ्रेंडली है और मुझे काफ़ी इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिल रही है। मैं बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि यहाँ पे आके इतनी सारी इन्फॉर्मेशन मुझे मिलेगी। तो बने रहिए, देखिए मैं आपको अंदर की भी नज़ारे दिखाऊंगा और हमारा ड्रोन उड़ा के भी इस कैंपस का एक छोटा सा फुटेज लेने की कोशिश करेंगे। आइए दोस्तों, आज मैं आपको एक छोटी सी क्लिप चला के ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि शिक्षा और एजुकेशन हमारे समाज के लिए कितनी इम्पोर्टेंस रखती है। आज हम बात करेंगे कि शिक्षा से क्या हो सकता है, और हमारे समाज में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो इस चीज़ को निस्वार्थ भाव से प्रोत्साहित कर रहे हैं, लोगों को शिक्षित कर रहे हैं और ये सिलसिला चलता जा रहा है। तो चलिए आइए आज हम बात करेंगे एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जो व्यक्ति अपनी सारी जिंदगी केवल लोगों को शिक्षा देने के लिए लगा दिया। आइए हम उनके बारे में एक छोटी सी वीडियो क्लिप देखते हैं, उसके बाद हम बाकी के वीडियोस देखेंगे। टी समाज का नौजवान डॉक्टर शिवलाल जाधव अपने ध्येय के प्रति उठा, खड़ा होकर अपनी सारी जिंदगी उनके लिए न्योछावर कर दी। डॉक्टर शिवलाल जाधव अर्थशास्त्र और राज्यशास्त्र के डबल ग्रेजुएट है। उन्होंने पैसा आराम छोड़ के पूरा समय सामाजिक कार्य के लिए लगाया। कई साल सामाजिक कार्य करने के बाद डॉक्टर शिवलाल जाधव और उनकी मां ने अपने छोटे घर में 9 अनाथ बच्चों को संभालने का काम सन 1983 में शुरू किया। तब से ये कारवा रुका नहीं, सिर्फ बढ़ता गया। अनेक समस्या और कठिनाई के बावजूद अनाथ बच्चों को संभालने का कार्य नहीं रुका। इसमें उनकी पत्नी का भी महत्वपूर्ण हिस्सा है। अभी 700 लाभार्थियों को मुफ्त अन्न, वस्त्र और निवारा मिल रहा है। 1985 के साल में संस्था की उन्होंने स्थापना की। भटके विमुक्त जाति शिक्षण संस्था संचालित प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालय और मूकबधिर विद्यालय अनाथाश्रम शाला पुणे के पास वाघोली संकुल में 400 से अधिक अनाथ, मूकबधिर, मतिमंद, अपंग और घुमंतू जाति जनजाति के बच्चे मुफ्त में पढ़ाई करते हैं। यहाँ छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए क्रीड़ा, खेल, शारीरिक स्वास्थ्य शिक्षा के साथ ही अनुशासन और स्वच्छता को महत्व दिया जाता है। ये सारी क्रियाएं छात्रों को अच्छा नागरिक बनाने में मदद करती है। शरीर ही संपत्ति, छात्रों को शारीरिक शिक्षा का महत्व बताया जाता है। छात्रों में मूल्य संस्कार जरूरी होते हैं। हर रोज दिन की शुरुआत नवकार मंत्र और गायत्री मंत्र से होती है। इसके साथ प्रार्थना सभा, देशभक्ति गीत, संविधान गान, सुविचार आदि कार्यक्रम से पाठशाला की शुरुआत की जाती है। पहली कक्षा से लेकर 10वीं कक्षा तक छात्रों को मुफ्त में पढ़ाया जाता है। बच्चों को विज्ञान से जोड़ने और उनमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देने के लिए प्रशस्त कंप्यूटर लैब एवं साइंस लैब है, जहां सभी छात्र
अपनी वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा दे सकते हैं। सभी भाषाओं के दैनिक समाचार एवं बड़ा बुक लाइब्रेरी बच्चों में पढ़ने की आदत को उजागर कर रहा है। ये वीडियो बनाने के पीछे मेरा मकसद सिर्फ इतना ही था कि हमारे समाज में शिक्षा कितना इम्पोर्टेंस रखती है और काफ़ी ऐसे सारे लोग हैं जो इस चीज़ को बढ़ाने के लिए अपना योगदान दे रहे हैं, तो क्यों ना हम एक छोटा सा योगदान अपनी तरफ से इनको समर्पित करें। डिस्क्रिप्शन में आपको सारी लिंक मिल जाएगी, इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अगर आप इनके साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप इनसे संपर्क कर सकते हैं और इनकी हेल्प कर सकते हैं। से निकल रहे हैं और मुझे बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा, इसके फुटेज कैसे लगे, ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी। आप चाहें तो इनसे कांटेक्ट करके और रिगार्डिंग चैरिटी आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं।